नमस्ते, यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर पिक्सेल वेस का जो बीटा अपडेट है इंस्टॉल किया है, जो कि Android 14 के साथ अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पर Android 14 का जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, प्लस लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर एंड्रॉयड के बारे में, तो कुछ इस तरह से जो है एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन भी देख सकते हो, यहाँ पर थीम आइकन का ऑप्शन है, वेदर विजेट्स का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है यहाँ पर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड काफ़ी बढ़िया जो है पर यूआई देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 14 के साथ जो है ऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। यहाँ पर पिक्सल ओएस का जो ऑफिशियल बीटा अपडेट है अवेलेबल हो गया है एंड्रॉयड 14 के साथ। यहाँ पर एंड्रॉयड 14 का जो ईस्टर एग है यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड लेटेस्ट नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ ये जो रॉम है अवेलेबल है 4.14 कर्नल के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक्सल ओएस का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल हो जाए, एंड्रॉयड हो जाए एंड सेटिंग्स में हो जाए, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। प्लस जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफ़ी स्मूथ है। हमने इस रॉम को जो है लगभग जो है 4 डेज से यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई भी लैग को नोटिस नहीं किया है। काफ़ी स्मूथ यूआई देखने को मिलता है। डेफिनेटली एंड्रॉयड 14 के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्टेटस बार के साथ जो है डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। प्लस रैपल एनिमेशन को ऐड किया गया है, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके FM रेडियो को यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है प्ले स्टोर को भी ऐड किया गया है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। ये जो बिल्ड है दोस्तों जी एप्स वाला बिल्ड है। एंड यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन को जो है ऐड किया गया है। यहाँ पर 2x अल्ट्रावाइड लेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर HDR मोड का ऑप्शन है, ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, प्लस AI कैमरा का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है ब्लर को सिलेक्ट कर सकते हो, AI कैमरा का ऑप्शन है। नाइट मोड के साथ जो है पर 2x का जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस 64 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन, डुअल वीडियो का ऑप्शन है, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। प्लस 4K 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड सुपर मैक्रो मोड भी काम कर जाएगा। प्रो मोड के साथ भी वाइड बैलेंस, फोकस, शटर, ISO ऐसे भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो MIUI कैमरा एप्लीकेशन है यहाँ पर काम कर जाएगा पिक्सल OS के साथ। एनीवे यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है कैमरा 2 MP के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने GCam 9.1 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल जो UI है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो यहाँ पर बैटरी % को अवेलेबल कर पाओगे। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं पर बैटरी ड्रेन के बारे में। तो यहाँ पर ओवरनाइट जो है लगभग 3% से 4% के आसपास बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। एंड अगर आप एक हेवी यूजर हो तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज के साथ लगभग 6 आवर्स से 7 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप जो है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो, तो यहाँ पर यूजर टू यूजर डिफरेंस हो सकता है। बट ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है सच में काफ़ी बढ़िया है। 120 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग 6 आवर के आसपास तो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल ही जाएगा फॉर श्योर। एनीवे यहाँ पर अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर अभी फिलहाल जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली फ्यूचर अपडेट में जो है फेस अनलॉक भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे भी रन किया था इस रॉम के साथ। यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1108 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है 3DMark के साथ। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 533, मल्टी कोर के साथ जो है 1602 का स्कोर है। यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ जो बढ़िया स्कोर देखने को मिलता है। एंड Geekbench 6.2.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ
728 मल्टीकोर के साथ जो है 1841 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। अगर बात करें यहाँ पर कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर पिक्सल ओएस के साथ जो है यहाँ पर मिनिमल कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिलेगा। बेसिकली जो है जो पिक्सल डिवाइस है उसमें जिस तरह से जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह से एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, सेम पिक्सल ओएस के साथ जो है सिमिलर ऑप्शन सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ जो है एनहांस नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का ऑप्शन है, बैटरी पार्ट से नीचे को ऐड किया गया है, वाइब्रेशन हैप्टिक के साथ जो है लाइव कैप्शन स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है, इसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काम कट जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन से काम करता है, यहाँ पर से जो है डार्क मोड को भी एनेबल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो डार्क मोड है डार्क मोड के साथ जो है पर पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है पिच ब्लैक थीम को भी एनेबल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर पिच ब्लैक थीम को जो है एनेबल किया है। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो चार्जिंग साउंड वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है, एमआई साउंड एनहाइजर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो प्रीसेट है उसे भी सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है, एंड अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो डार्क मोड हम सिंपली बंद करते हैं, तो यहाँ पर जो डार्क मोड हमने यहाँ पर बंद कर दिया है एंड देख सकते हो यहाँ पर जो पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन है इसे भी हमने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन है। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है क्लीन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कट जाएगा। एंड डिस्प्ले के साथ जो है पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन के साथ जो है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, कैमरा यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को एडजस्ट कर सकते हो, डार्क मोड का ऑप्शन है, आइकॉन मैनेजर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सर्च बार के ऊपर कौन कौन से आइकॉन को शो करना चाहता हूँ आप यहाँ सेलेक्ट कर पाओगे, नाइट लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर स्मूथ डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के साथ जो आप डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड अलग अलग जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है यहाँ पर साउंड एम्पलीफायर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, साउंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक लाइव कैप्शन फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है एंड्रॉयड 14 के साथ इसे भी ऐड किया गया है, एंड ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, प्लस सिस्टम के साथ जो है ये सभी ऑप्शन है, यहाँ पर ऐप लैंग्वेज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन है, लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर गेस्ट्स के साथ जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को जो है ओपन कर सकते हो। 100 मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर गेस्ट्स नेविगेशन थ्री बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर पावर बटन के साथ जो है रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को जो है रिबूट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली गेस्ट्स के साथ जो स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, सिंपली जो वॉल्यूम बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करके आप जो है यहाँ पर गाना को स्किप कर सकते हो, क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके फ्लैशलाइट को एनेबल कर पाओगे, यहाँ पर सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ओटी अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो, थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जैसे कि आपको बताया है यहाँ पर जो पिक्सल ओएस का जो बिल्ड है इसके साथ जो आपको काफी बढ़िया जो है स्टॉक लाइक एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिल जाएगा। एंड रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके एंड्रॉयड 14 का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसे चेकआउट करके देख सकते हो, हमने यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉयड 14 इंस्टॉलेशन वीडियो को जो है अपलोड किया है। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को आप एक साथ यूज कर सकते हो, डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्यूआर कोड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्स्ट्रा डिम नाइट लाइट मोड भी काम कर जाएगा,
मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल भी देखने को मिलता है। यहाँ पर MIUI कैमरा भी काम कर रहा है, जीकैम भी काम कर रहा है, प्ले स्टोर भी यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है।